ये जो नबी पाक अलैहि सलातो सलाम के सहाबा हैं, ये हुज़ूर के लिए अल्लाह का इंतखाब। रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माअहु वशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। फरमाया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो जो उनके साथ हैं ना वो काफिरों पर सख्त हैं, आपस में बड़े मेहरबान हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की अजमतें बयान फरमाता है, रब भी फरमाता है कि मैंने भी महबूब के लिए वो चुने हैं गोया जो सबसे ज्यादा खूबसूरत लोग थे। काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम दिल हैं। और यारों से आबा पर तबसरे करते हो, उन गलियों के बंदा सदके जाए जहां से वो गुजरा करते थे, उन राहों पे बंदा जान दे दे जहां से वो अपना काफिला लेके गुजरते थे। आप मामूली समझते हैं रसूल पाक के साथ रहने वाले लोगों को? ओ भाई, मेरे साथ जो लोग आते जाते हैं वो मेरा इंतखाब है, दोस्त अहबाब का इंतखाब है, इंतजामिया का इंतखाब है। तो जो लोग मदीने वाले रसूल के साथ रहते हैं वो रब करीम का इंतखाब है, अल्लाह ने मुंतखब किए हैं। और वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा। सारे काम जो होते हैं ना, सारे काम वो कसबी नहीं होते, कुछ वहबी भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत से खास बना लिया करता है, ये खास लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने खास बना लिया। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने ना खास लोगों का इंतखाब, इधर देखो मेरी तरफ, अभी ना एक दोस्त ने रुका दिया है मुझे कि दुआ करें, मैं हुजूर की जियारत करना चाहता, आप दुआ करें। मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, ये तो बहुत बड़ी दुआ बता दी इन्होंने। चिर होया ना मैं तरले लेंदे हैं, तू कदी मोड़ मेरे वल वागा, ते ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा, ते ख्वाब मेरी विच माही आया ते गल विच पा लिया बावा। ओ लोको, मैं डर दी मारी अख भी ना खोला, कितने फिर विछड़ ना जावा। और एक दरवेश कहने लगे कि आई रात विशाल दिवाली, रब्बा ए रात मुक्कन ना देवी, से लंबी कर दे, ये मुलाकात की रात है। हर एक तड़पता है हुजूर से मुलाकात हो। नबी दुआएं मांगते रहे, पैगंबर दुआएं मांगते रहे कि वो करीब महबूब अलैहिस्सलातु सलाम अल्लाह तबारक व ताला से नबी दुआएं मांगते। हज़रत इब्राहिम ने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा घर बनाया है, काबाई से बसाने वाले महबूब भी भेज दे। हुजूर के लिए नबी और रसूल दुआएं मांगते रहे, उम्मती तड़पते रहे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुफक्किरीन तड़पते रहे, या अल्लाह महबूब का जलवा अता कर। सारे हुजूर के लिए दुआएं मांगे और हुजूर दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे उम्र नहीं अता कर देता, ऐ अल्लाह उम्र को मुसलमान कर दे, इस्लाम को इज्जत दे दे। सब हुजूर को मांग रहे हैं, करीम ने दुआ। आप भला किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जो मुरीदे मुस्तफा नहीं, मुरादे मुस्तफा है। हुजूर ने मांग के लिया, अल्लाह से मांग के लिया, नबी करीम ने मांग के लिया। उमर जब गए ना कलमा पढ़ने, वाकया आपने सुना है, हमशीरा से कुरान पाक सुना। और फिर हजरत उमर कहने लगे, नहीं बहन, अब बात समझ में आ गई है, तो इस तरह कर, मेरे हाथ में बांध लेता हूँ, गले में तलवार लटका लेता हूँ, मैं घरों आया सा मार मुकामने लूँ, हूँ तुसी मैनू मार दे लै चलो। कोई मते उमर दी उमर ही बर्बाद हो जाए जिथे उमर सवार दे लै चलो, ले जाओ ना। दारे अरकम में हजरत उमर कलमा पढ़ने आ रहे, दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े हैं, शोर पड़ गया, उमर आ गए, उमर आ गए, उमर आ गए। हजरत अमीर हमजा कहने लगे, क्या हुआ अगर उमर आ गए तो? अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, अगर कोई इरादा गड़बड़ है तो, अगर वो उमर है तो मैं अमीर हमजा हूं, आज पता चल जाएगा, आ गए हैं तो आने दो। पीछे हुजूर तशरीफ फरमा रहे, करीम बोल पड़े, फरमाए हमजा जरा जल्दी ना कर, जल्दी ना कर। क्यों भला? गोया फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, हमजा को कोई आए तो नहीं ना, उन्हें तो बुलाया गया है, उन्हें तो दुआ मांग के बुलाया गया है, वो तो बुलाए गए हैं, तो बुला कोई आया लेके चला गया, कोई
भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ये कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते। कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। वो किसी ने कहा था, इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना, तू रह जाना। ओ हजरत उमर तो वो है जिन्हें करीम ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांगा है। और फिर कभी जो हजरत उमर के बारे में हुजूर ने कहा है ना, जो महबूब ने फरमाया है, हुजूर ने जो उनके लिए फरमाया है, उस पर कभी बंदा गौर करना। हुजूर फरमाने लगे, लोगों सुनो, मैंने रात ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैंने दूध पिया है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है बुखारी में, फरमाया मैंने इतना पिया है, इतना पिया है दूध, इतना पिया है कि मेरे नाखनों से भी नजर आने लगा। हुजूर फरमाने लगे, दूध फिर भी बच गया। हुजूर फरमाते हैं, पता मैंने वो दूध ख्वाब में किसे दिया है? या रसूलल्लाह फरमाए उमर खत्ताब को दिया है। या रसूलल्लाह, अगर आपने दूध पिया है और बचा हुआ उमर को दिया है, ख्वाब आपने सुनाई है, तो हुजूर ताबीर भी तो आपने ही बतानी है। तो या रसूलल्लाह इसकी ताबीर क्या है? हुजूर फरमाने लगे, इसकी ताबीर इल्म है कि उमर फारूक को जिस तरह अल्लाह ने मुझे उलूम दिए, उमर को भी इल्म दिया। इसकी ताबीर इल्म है, इसकी ताबीर वो नूरे मारिफत है। ये पता है दूध और इल्म की आपस में तशबीह क्या है? हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिस तरह दूध जिस्मानी गिज़ा है ना, इल्म रूहानी गिज़ा है। हजरत फारूक आजम का इल्म, फकाहत, समझदारी, मामला फहमी, उसूल पसंदी, उनके मिजाज में ठहराओ, साबित कदमी क्यों ना हो जब हुजूर अपने हाथों से दूध पिलाएं और कई दफा पिलाएं। ऐसा की तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। और एक साहब कहने लगे कि पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद इल्म है, फारूक आजम का इल्म। एक दिन फिर हुजूर बोले, फरमाया मैंने रात ख्वाब देखी। अजीज दोस्त, आप गौर करें बात पर तो कैसी खिली बात हो। यानी सारी दुनिया कहती है हुजूर को ख्वाब में देखे, ये बुखारी है। हुजूर फरमाने लगे, मैंने ख्वाब देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या? फरमाया मैंने ख्वाब देखा है, मैंने ख्वाब में देखा लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की पेट से भी ऊपर है। हुजूर फरमाते हैं, फिर मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उमर फारूक ने इतनी लंबी कमीज पहनी, इतनी लंबी कमीज पहनी कि नीचे घिसट रही थी। हुजूर ख्वाब सुना के चुप कर गए। या रसूलल्लाह, करम नवाजी करें, ताबीर भी तो बताएं ना। तो रसूल करीम ने फरमाया, इसकी ताबीर दीन है। गोया फरमा रहे, इतना लंबा कुर्ता हजरत उमर ने पहना है कि उमर तो दीन के अंदर लिपटे हुए हैं। सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन, उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी, दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, हुण मैं कित्थों लब्बा उमर बहादुर जड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे, पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है, सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे, पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। एन उस वक्त भी, एन उस वक्त भी फारूक आदम दीन की लै सजना सा तोड़ ही नहीं भाई, असी जान भी दिती ते राह तेरे, लै सजना सा तोड़ आखिर तक, पानी परन ना सोहेलियां तो रंगा रंग कड़े, भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। और मेरे महबूब ने दुनिया में सामने बिठा के कहा, सही हदीस में मौजूद है, फरमाया उमर
मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाए तो इजाजत लेके जाए। उमर मैं अंदर जाने लगा था फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़ी। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हजरत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सजनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना धोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी। आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, पावे वसल होवे ते पावे दूरी, आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हजरत फारूक आजम की आंखें तर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता, हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हजरत फारूक आजम का मिजाज, पर फिर हुजूर ने जो कह दिया ना, कुछ लोग ना बात मानते हैं सोनी करके नहीं मानते। एक होता है हुक्म, एक होती है रजा, कभी कभी इन दोनों में फर्क भी होता है। उस्ताद जी, हजरत साहब मैं जाऊं, जाओ ये हुक्म है, लेकिन तू महसूस तो कर, लगता है कि मैं तुझे इजाजत नहीं देना चाह रहा, तू दिल भी तो पढ़ना। वो मैं पूछ के आया जी, उन्हें मैंने आप आख्या सी तू जा, और तूने सूंगा नहीं ना, नहीं पूछा ही है, तूने महसूस ही ना किया, तू लफ्जों के हेर फेर में रहा, तू जुमले ऊपर नीचे करता रहा जैसे लोग मोबाइल करते रहते हैं हर वक्त, इसी चक्कर में पड़ा रहा, तूने देखा तो सही गौर ही नहीं किया। कभी ना रिजा में उतर कर, जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंज रखे असा उंज रहना है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो, तय कर लेते हैं कुछ लोग, उस सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाजा महबूब पे। उमर ने गुजार दी उमर, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक यार, अपनी जिंदगी इधर उधर नहीं गुजारी, मान जो लिया तय जो कर लिया। एक दर फटिए फिर उन्होंने मोहकम फटिए, फिर उसने ही हो के मरिए, पकड़ दू तय जो कर गुजार दी उमर, खत्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए, कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए, जे महबूब बुलावे एकदम सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे देंगे, कदे भी देर न लाइए, यार द कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए, यार द कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना जान ते लाइए ना, जे लाइए ते फिर तोड़ दे पाइए, जान ते लाइए ना। एक दफा हुजूर की जुबान नूर से निकला, एक दफा सिर्फ कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफा निकला, एक अवैस करनी है, कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक रखते हैं, बाप का नाम आमिर है, अवैस भी नामर कहलाते हैं, बरस के निशान थे। ये देखो ये सारी निशानियां हुजूर ने बताई, कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारों को जरूरी तो नहीं ना कि कोई जाहिरी तौर पर मिले तो तब ही पता चलता है, महबूब का पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वहां है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितनी मजे की भीख तेरे पाक तर की, कितनी मजे की भीख, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ वेखो ना रोजे दे दुआले ने गुलामां दी टोलियां,
एक रुपया सुन दे करोड़ा दिया बोलियां बड़ी उम्मीद है बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफा हुजूर ने फरमाया उमर एक उवैस बिन आमर नाम का शख्स है कर्ण का है मुराद एक शाख है कबीले की उससे ताल्लुक रखता है माँ का बड़ा फरमा बरदार है। देखिए हुजूर गुलामों की निशानियां बता रहे हैं गुलामों की बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है और बंदा मिट जाए ना आका पे तो वो बंदा क्या है। फरमाया बर्स के निशान है चेहरे पे बर्स हुआ था वो ठीक हो गया दिरहम के मुताबिक निशान होगा माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया उमर उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात होगी ना तो उसे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर जो बंदा भी यमन से आए उमर पूछे उवैस को जानते हो उवैस को जानते हो जो भी मिले ना हजरत उमर पूछे उवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हजरत उवैस को दिया हजरत उमर की मुलाकात हो। आप जरा देखना निशानियां बता रहे कहने लगे आपका नाम उवैस भी नाम है मुराद की शाख से है ये चेहरे पर निशान है माँ के फरमा बरदार है कहाँ। कहने लगे उठाओ फिर हाथ मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर उवैस करनी रदी अल्लाह ताला नो कहने लगे उमर मैं आपके लिए दुआ करूँ। फरमाया करो ना इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ हमने तो तय कर लिया एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का यमन का एक दफा का था वो आएगा बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई सारी जिंदगी पूछा अवैस तो नहीं नाम। फिर वो मिल गए तो का दुआ करो दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने हजरत अवैस करने से कहने लगे आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। हजरत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूँ कि अवैस आ रहा है। हजरत अवैस करनी कहने लगे ना 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 हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ असं किसी के कुछ नहीं जलाते ना कोई साडा दर्द बस कोने में पीछे हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं हम कोई तस्वीरों के शौकीन हम तो पीछे बैठना बस किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है ये जो भी है उनकी मेहरबानी है जब उनकी नजर में है तो फिर कैमरे की नजर में आए चाहे। हजरत अवैस कहने लगे जरूरत कोई नहीं मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हजरत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हजरत उमर से मिलने कूफे का तो जनाब उमर फरमाने लगे अवैस करनी को जानते हो कब हुजूर जानता तो हूँ उवैस बिन आमिर को जानता तो हूँ हजरत उवैस बिन आमिर को लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं घर भी उनका सादा हालात भी ज्यादा वसत वाले नहीं। हजरत उमर कहने लगे तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के हजरत उमर से मिले कूफे के रईस थे तो हजरत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ करा लो। ये रईस वापस गए हजरत अवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह ताला तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं आप दुआ करें। कहने आप करें कहने लगे आप हज करके आए आप करें। कहने लगे नहीं आप करें तो हजरत अवैस समझ गए कहने लगे उमर से मिल के आए दो एक बातें सिर्फ हजरत उमर की और अर्ज करनी है। दुनिया जो होती है ना दुनिया इंसान के पास आए कोई अर्ज नहीं
लेकिन अगर बंदे का दुनिया से इश्क हो जाए तो ये बड़ा खौफनाक। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने जब देख लिया ना रब की मार्फत का जलवा, जब हुजूर के अनवार व तजल्लियात देख लिए, जब रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के हुसन के जलवे देख लिए, तो फिर दोबारा दुनिया की दौलत पर उनका दिल कभी नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें दुनियादारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुतबा दे रहे हैं तो यहाँ पे मंद लगे हुए, ईद की नमाज पढ़ने हजरत उमर जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने तो पैरों में जूता कोई नहीं। हजरत फारूक आजम हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो बादशाहों के प्रोटोकॉल नहीं होते, आज भी हज के मौके पर वीआईपीस के लिए अलहदा बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिस बंदे की हुकूमत है, सहाबा कहते हैं वो हमारे साथ गए तो अपने पास एक इजाफी चादर और ले गए, रस्ते में सफर करते थे तो सिर्फ किसी दरख्त की टहनी पर डाल के छांव कर लेते थे, कई दफा जमीन पे कुछ बिछाते थे, कई दफा कुछ भी नहीं बिछाते थे, इसलिए कि इधर फिर तवज्जो होती नहीं ना, तवज्जो उधर हो जाती है, तवज्जो उधर हो जाती है, अब मेरी निगाहों में जचता है, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा सैयदना साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला नो का चमकता धमकता फरमान मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला नो फरमाने लगे, उमर कोई हमसे पहले नहीं इस्लाम लाए लेकिन दर्जा ज्यादा ले गए। फरमाने लगे तुम्हें पता है उमर दर्जा कैसे ज्यादा ले गए? इसलिए कि उमर को दुनियादारी में कोई रगबत ही नहीं थी, उन्होंने अपना दिल हर तरफ से तोड़ के रब रसूल के साथ जोड़ लिया, दिलचस्पी नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। हम ना बहुत ज्यादा दुनियादारी करते हैं, हर वक्त मादा परस्ती की बातें करते हैं, दौलत इल्ला माशाल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। दूसरी बात हजरत फारूक आजम में जो बहुत अहम थी, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, आप तवज्जो करें। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते, हमने सारी जिंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब कर लो, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया। हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं कि मैंने तो याद नहीं कभी किसी का कोई ज्यादती की हो, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ, वो जी आपको पता ही नहीं जी, बाप बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफी की जाए और अपना इस बात किया जाए। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, आप फरमाते हैं एक बाग में हजरत उमर के साथ में गया, हजरत उमर पहले पहुंच गए मैं बाग में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था, उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हजरत फारूक आजम के साथ मैं गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था, हजरत उमर फारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने खत्ताब अल्लाह से जरूर डर वरना अल्लाह तुझे जरूर अज़ाब देगा, डर जा अल्लाह से, अपना एहतसाब करते अपने ऊपर तवज्जो रखते। हम अपने कपड़ों का बालों का कंगी का हिसाब रखते हैं, हजरत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं, वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियात क्या हैं, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हजरत उमर से प्यार करें खोल के, उनसे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज करूँ, मैं जनाब फारूक आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा होती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए, मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ मिल्लत के जवानों हजरत उमर को पढ़ो, हजरत उमर को सुनो, हजरत फारूक आजम के हवाले से मालूमात जमा करो, अगर तुम हजरत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फारूक आजम से इश्क करोगे, समझ आएगी जिंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हजरत उमर को
पढ़ा जाए, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हजरत उमर की जिंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरगबती पूरी, माल दौलत गाड़ियां कोठियां रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें, इश्क अल्लाह अल्लाह रसूल से। और दूसरी बात, हिसाब अपना करना है, अपने बातन का ख्याल रखना है कि अंदर उजड़ पुजड़ तो नहीं गया, अंदर की कैफियात क्या है इसका ख्याल रखना है।